थिंक डोज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत कुछ बड़ा करने वाला है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ब्रिटिश मीडिया को लग रहा है। ब्रिटिश मीडिया को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि भारत ब्रिटेन को फोर्स कर सकता है कि कॉलोनियल रूल में जो भी चीज़ें उन्होंने भारत से लूटी हैं उसे वो वापस कर दे। ब्रिटिश मीडिया ऐसा क्लेम कर रहा है कि इंडिया ये चीज़ डिप्लोमेटिकली करने वाला है ताकि कोहिनूर को वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी कैंपेन आज से पहले भारत ने कभी भी स्टार्ट नहीं की थी। किंग चार्ल्स सेकंड और उनकी वाइफ कैमिला की कोरोनेशन सेरेमनी भी हाल ही में हुई है। दोस्तों, ये दोनों यूके के किंग और क्वीन भी बन चुके हैं। इन दोनों की कोरोनेशन सेरेमनी में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जयदीप धनकर जी भी शामिल हुए थे। सेरेमनी में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कोहिनूर नहीं था दोस्तों, और कोई भी कोरोनेशन सेरेमनी कोहिनूर के बिना आज तक नहीं हुई। कोहिनूर का ना होना बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है और इस चीज़ को यूके का मीडिया बहुत अच्छी तरह से भांप भी गया है। दोस्तों, यूके का मीडिया ये अनुमान लगा रहा है कि यूके हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और डर रहा है कि भारत उस पर डिप्लोमेटिकली दबाव बनाएगा आने वाले भविष्य में, और जितने भी आर्टिफैक्ट्स भारत से चुराए गए हैं हिंदुस्तान उसे वापस ले लेगा। दोस्तों, ब्रिटिश ने सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि ग्रीस और बाकी भी बहुत सारे मुल्कों से बहुत कुछ चुराया है। ब्रिटेन म्यूजियम आज के समय में किसी एक्टिव क्राइम सीन से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे देशों की चुराई गई चीज़ें हैं यहाँ पर। इजिप्ट भी ऐसे ही अपना रोजेटा स्टोन वापस मांग रहा है दोस्तों, और इसका इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यूके इजिप्ट की इस डिमांड को मान नहीं रहा और इस बात को बार बार टाले जा रहा है। ग्रीस भी अपने मार्बल्स यूके से ऐसे ही वापस मांग रहा है, पर यूके की गवर्नमेंट ने इस डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया है। ऋषि सुनक ने ग्रीस को साफ शब्दों में कह दिया है कि मार्बल्स को वापस नहीं किया जाएगा। पर भारत का केस अलग है दोस्तों, यूके भारत पर इस समय हैविली डिपेंडेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बाकी टेक रिलेटेड एग्रीमेंट्स के चलते भारत यूके पर ज़बरदस्त दबाव बना सकता है, और ये भी संभव है कि कोहिनूर और बाकी आर्टिफैक्ट्स वापस भी ले आए भारत। साल दर साल यूरोपियन यूनियन में भी भारत की वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है, तो इंडिया को ना बोलना इस समय तो यूके के लिए काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। दोस्तों, ये सभी आर्टिफैक्ट्स वापस करके यूके पश्चाताप कर सकता है भारत पे किए गए अपने सारे अत्याचारों का, जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड। अगर कोहिनूर डायमंड को वापस लाने में और बाकी आर्टिफैक्ट्स को वापस लाने में प्रेजेंट गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी दोस्तों। अगर ये सब चीज़ें 2024 के इलेक्शन से पहले हो सकती हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है, हो सकता है उसके बाद ही हो, तो 2024 इलेक्शन में भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि इस सब पे आपका क्या टेक है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत के सभी आर्टिफैक्ट्स, खासकर कोहिनूर को वापस ले आएगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किस तरह हम वीडियोज़ को और बेहतर बना सकते हैं ये भी हमें आप ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।